लोग ने ना अभी तक मास्टरिंग द जावा 8 फंक्शनल प्रोग्रामिंग एंड फंक्शनल इंटरफेस फीचर्स में काफ़ी प्रोग्रेस कर लिया है। वी स्टार्टेड विथ सप्लायर फंक्शनल इंटरफेस, देन वी मूव्ड ऑन टू प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस, उसके देन वी मूव्ड ऑन टू प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस, देन वी मूव्ड ऑन टू फंक्शन एज अ फंक्शनल इंटरफेस, देन वी मूव्ड ऑन टू कंज्यूमर एज अ फंक्शनल इंटरफेस। और इस चारों को फंक्शनल इंटरफेस जो कॉमनली यूज होते हैं मोस्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड जावा प्रोजेक्ट्स में, एंटरप्राइज लेवल प्रोजेक्ट्स में, उन सबको हमने इस माई ऐप फिटनेस ऐप के कंटेक्स्ट में रन करके देखा एंड वी वर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एंड वेयर एंड हाउ इज़ दिस यूज्ड एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इट। अभी हम लोग एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू करने वाले इस वीडियो में, जो कि है रनेबल फंक्शनल फंक्शनल इंटरफेस इन जावा। ये रनेबल फंक्शनल इंटरफेस जबकि जावा वर्जन 8 में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ये तो जावा वर्जन 8 के पहले से एग्जिस्ट करता है, लेकिन जावा 8 के आने के बाद इस फंक्शनल इंटरफेस नेम्ड रनेबल में बहुत सारे पावरफुल फीचर्स इफेक्ट ऐड हुए, जैसे कि लैम्डा एक्सप्रेशन। तो हमें आज की वीडियो में यही सीखना है द रनेबल फंक्शनल इंटरफेस विच विल सपोर्ट थ्रेडिंग। सो थ्रेडिंग और मल्टी थ्रेडिंग विद कंकरेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस जावा में। अगर आप जावा डेवलपर हो या फिर स्टूडेंट हो और या फिर यू आर वर्किंग समवेयर इन अ प्रोजेक्ट वेयर यू आर वर्किंग एज अ जावा डेवलपर, तो यू मस्ट बी नोइंग थ्रेडिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग इज़ अ मो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफ़ी इंटरव्यूज़ में भी पूछी जाती है। अगर आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो फॉर जावा डेवलपर रोल, देन इट वुड बी, और यू आर ट्राइंग टू स्विच फ्रॉम अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी टूवर्ड्स जावा प्रोग्रामिंग, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्रेडिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग सीखना। और थ्रेडिंग का बेसिस बनाता है ये फंक्शनल इंटरफेस, इन सेंस दैट इट विल हेल्प यू टू रन सम थ्रेडिंग टास्क और सम डिफरेंट टास्क ऑन अ बैकग्राउंड बाय मींस, इट मींस टू से कि कोई और थ्रेड पे यू कैन वर्क योर टास्क ऑन इट, नॉट अफेक्टिंग द मेन थ्रेड्स प्रोसेसिंग। तो हम इसको लेमेंस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने समझने की ट्राई करेंगे। पहले तो आई विल एक्सप्लेन यू थियोरी कि व्हाट इज़ द फंक्शनल इंटरफेस नेम रनेबल, रनेबल की सिग्नेचर क्या है, उसका पर्पस क्या है एंड व्हाट इट सर्व्स। तो लेट्स स्विच बैक टू IDE, वी विल सर्च फॉर रनेबल, हियर इट इज runable.java and runable.java is part of java.lang package. Here we can see it is a interface marked with a functional interface as a annotation. और इस functional interface में एक method है जिसका नाम है run, और आप अगर notice करोगे तो there is no input and it is an abstract method or void, there is no return method, right? इसका purpose है that it defines a single run method that does not accept any parameter and does not return a result. The run method contains the code that you want the thread to execute. Basically, अगर आप लोग ये देख पा रहे हो, ये abstract method है, right? और programming में हमने देखा था कि कोई भी method abstract होता है तो वो basically empty method होता है, उसमें body हमें override करके देनी होती है। तो basically, in a broader accept, run method acts as a hook method, और उस हुक में हम अपने जो भी टास्क है या फिर कोई भी जो बैकग्राउंड में रन करने वाली प्रोसेसिंग है वो चला सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए वी विल डू थियोरेटिकल कोडिंग राइट नाउ इन दिस वीडियो, और जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैंने सोचा है आपको एक्सप्लेन करने के लिए वुड बी टू सेंड ईमेल्स टू आवर यूज़र्स, जो हम लोग का एप्लीकेशन है इसमें हमारे पास कुछ यूज़र्स है, राइट? तो वी वॉन्ट टू सेंड दोज यूज़र्स सम ईमेल, और क्योंकि ईमेल सेंड करने का प्रोसेस थोड़ा टास्किंग होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है, बहुत सारे रिसोर्सेज भी कंज्यूम करता है, HTTP कनेक्शंस बनाने होते हैं, नेटवर्क कनेक्शंस बनाने होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करने होते हैं, राइट? तो फॉर दैट पर्पस हमारे टीम में ये रिक्वायरमेंट आई है कि वी वॉन्ट टू मूव आवर ईमेल सेंडिंग प्रोसेस आउट ऑफ द मेन थ्रेड एंड मूव इट इन अ डिफरेंट थ्रेड and it, so that it could run on background and जो बाकी application के process है वो effect ना हो, so as to make our application more efficient.
तो वील स्टार्ट विद दिस रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एंड इसके लिए वील हैविली लेवरेज द रनेबल इंटरफेस राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद कोडिंग दिस एग्जाम्पल. सबसे पहले हम जावा में एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास का नाम हम रखेंगे सेंडर क्लास विच विल सेंड आवर ईमेल सेंडर. एंड इफ़ यू रिमेंबर व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव हियर इज ईमेल सेंडर का काम है इट विल सेंड एन ईमेल राइट. सो जो भी ईमेल सेंडिंग है जैसे जो भी ईमेल सेंडिंग प्रोसेस होगा सब्जेक्ट लाइन जितने भी यूजर्स को हमें सेंड करना है ईमेल रिसिपियंट्स है फिर ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है बॉडी का राइट. दिस आर ऑल द ईमेल्स ईमेल्स कंटेंट थिंग लाइक बाकी चीज़ें भी होती है जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन एंड कनेक्शन वो चीज़ें भी हम कनेक्शन के तौर पर सेटअप कर सकते हैं. बट इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वील जस्ट डेमोन्स्ट्रेट अ पर्पस ऑफ हैविंग द ईमेल कंटेंट लाइक सब्जेक्ट एंड रेसिपिएंट नेम एंड देन ट्रिगरिंग द सेंड मेथड जो बैकग्राउंड में रन होगा बिकॉज ऑफ आर रन हुक मेथड. सो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस एब्स्ट्रैक्ट रन मेथड हम लोग ऊप्स के कंसेप्ट के हिसाब से विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस. जैसे ही हमने रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया हमारा आईडी ही एरर थ्रो कर रहा है कि वी नीड टू ईदर डिक्लेयर एन एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड. तो लेट्स इम्प्लीमेंट द मेथड राइट. तो ये हमने इम्प्लीमेंट करा यहाँ वी विल एड आवर टास्क और प्रोसेस दैट वी वॉन्ट टू रन ऑन अनदर थ्रेड. अनदर थ्रेड मतलब मेन थ्रेड से बाहर. फॉर एग्जाम्पल समझो तुम्हारे एक लैपटॉप या फिर तुम्हारे सिस्टम में देर आर 8 कोर्स राइट. नाउडेज तो 8 कोर्स या मल्टीपल कोर्स होते हैं. सो इट विल नॉट बी गुड ना कि वी डू ऑल द प्रोसेसिंग अंडर सिंगल कोर. बाकी के 7 कोर्स आर सिटिंग आइडियली इज नॉट efficient, your application might run slow or your device might get heated up, many things can happen or it can lead to an application failure because of out of memory or buffer space not found issue. So in order to achieve or make efficiency and resource utilization we will try to run certain process from our application like email sending feature on a different thread or on a different core right. So how can we achieve that? That is achievable with the help of the runnable interface जो हम अभी पढ़ रहे हैं. So let's complete this comment. Add our task or process that we want to run on another thread. Right? आगे हम लोग जानेंगे कि thread भी कैसे create करते हैं. But for now, let's prepare our email sender और उसका context. We want a email sender to send or have a member as a recipient. Recipient will be the person who is sending this email or no, the person who is receiving this email. Then we have subject. We won't add body because we are not learning how to send email properly. हम लोग देखना चाहते हैं runnable कैसे काम कर रहा है. So we'll just keep two attributes, recipient and subject. Now let's use constructor method to prepare this while on runtime. Right. So we have recipient and subject and all this information. Fine. Now let's mock email sending procedure. So we'll write something like print out something like I'm sending email. We are sending this email to recipient with following subject. Right. And we'll use try catch block. अगर आप लोग ने थोड़ा बहुत भी जावा का कोर पे काम किया you might be knowing what is try catch block. अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन आई विल एक्सप्लेन यू. अभी वी विल स्लीप और यूज़ द थ्रेड स्टैटिक क्लास टू रन अ स्लीप मेथड. अ स्लीप मेथड बेसिकली विल स्टॉप रनिंग दिस थ्रेड फॉर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम. अब वो टाइम कितना है वी विल पास इट एज एन आर्ग्यूमेंट टू दिस मेथड राइट. दैट्स इट. सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू मॉक लाइक 2 सेकेंड लगता है कोई भी ईमेल को सर्वर से कनेक्ट होकर रिसीव होने में. वी आर ट्राइंग टू मॉक दैट. सो लेट्स राइट सिम्यूलेटिंग टाइम टेकन टू सेंड एन ईमेल राइट. इसे हमें ज़्यादा समझ में आ रहा है. अभी एट द एंड आफ्टर ऑल द थिंग्स इज डन वी विल प्रिंट आउट अ मैसेज सच इज टेलिंग दैट वी हैव
सेंड द ईमेल टू द यूज़र तो फॉलोइंग रेसिपिएंट राइट। तो हमारा ईमेल सेंडर जो कि रनेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है इज रेडी एंड द हुक मेथड इज हैविंग आर प्रोसेस और अ टास्क विच वी वॉन्ट टू रन इट इन अ डिफरेंट थ्रेड। नाउ लेट्स गो टू आर मेन फिट ऐप मेथड राइट एंड लेट्स से वी वॉन्ट टू सबमिट और रन दिस ईमेल सेंडर राइट टू ऑल द यूज़र्स। हम सारे यूज़र्स को भेजना चाहते हैं जो कि फिल्टर आके हुए हैं टूवर्ड्स दिस टूवर्ड दिस यूज़र ईमेल लिस्ट राइट। तो लेट्स गेट ईमेल, लेट्स रीनेम दिस टू संदीप सैंपल सैंपल, दिस पर्सन नेम इज ठीक है। तो हम लोग ने जितने भी यूज़र्स को फ़िल्टर किया है जो कि एज ग्रेटर देन 30 है बेस्ड ऑन अ प्रीवियस प्रेडिकेट एंड फंक्शन यूजेज, हम उन सारे यूज़र्स को ईमेल सेंड करना चाहते हैं। सो व्हाट फर्स्टली विल डू इज विल डिफाइन अवर ईमेल सेंडिंग टास्क। ईमेल सेंडिंग टास्क ड्यू टू पॉलीमॉर्फिज्म हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, विल सिंपली यूज अ रनेबल इंटरफेस जो कि हमने इम्प्लीमेंट किया है विच विल बी सेंड ईमेल टास्क राइट, सेंड ईमेल टास्क एंड वी विल यूज अ लैम्डा एक्सप्रेशन टू प्रिपेयर दिस इंफॉर्मेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन कुड बी नो, वी प्रिपेयर द टास्क विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो लेट्स कंस्ट्रक्ट, लेट्स यूज द फर्स्ट यूजर get index with 0 and okay, so we will send this user to this first user and subject would be welcome to Java threading right, thread programming. This is our subject and this is our runnable task, send email task। नाउ क्योंकि हमें इस टास्क को दूसरे थ्रेड पे रन करना है, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट अ न्यू थ्रेड। एंड जावा में अगर आपने थोड़ा बहुत भी थ्रेडिंग के बारे में सीखा है, वी नो टू क्रिएट अ थ्रेड वी हैव अ थ्रेड क्लास विच इज़ डिफाइंड अंडर जावा डॉट सेम जावा डॉट लैंग पैकेज। वी विल क्रिएट अ न्यू थ्रेड, लेट्स राइट इट एज न्यू थ्रेड एंड द न्यू थ्रेड विल एक्सेप्ट आवर टास्क विच वी वॉन्ट टू रन राइट। ओके नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा हमने टास्क बना दिया है, थ्रेड भी बना दिया है जो कि हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। हमने एक मेन थ्रेड है और मेन थ्रेड पे हमने ईमेल टास्क बना दिया, ईमेल सेंड टास्क जो कि ये है सेंड ईमेल टास्क राइट। और हमने एक न्यू थ्रेड भी बना दिया है राइट, और ये न्यू थ्रेड होगा न्यू थ्रेड ठीक है। तो ये मेन प्रोसेस है एंड समवेयर अ न्यू थ्रेड इज़ बीइंग क्रिएटेड अ न्यू थ्रेड। तो हाउ डू वी रन दिस प्रोसेस और दैट प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एन ईमेल ऑन अ न्यू थ्रेड, तो दैट विल बी वी यूज द थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड, न्यू थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड। तो ये स्टार्ट मेथड बेसिकली व्हाट इट विल डू इज, स्टार्ट मेथड है बेसिकली थ्रेड क्लास का मेथड है and it is used to initiate a new thread, it does not take any argument but it is used to create or initiate a new thread, basically ye kuch resource allocate karke new thread banayega application context mein and then when you call the start method the thread right, when you call the start method it will trigger, this will trigger the run method internally। और ये रन मेथड कौन सा चलाएगा उस टास्क में जो हमने डिफाइन करा है ना रन मेथड, वो अभी कुछ एरर थ्रो कर रहा है, मेक ईमेल लोड सेंडर पैकेज प्राइवेट, व्हाई डू यू वांट टू मेक इट पैकेज प्राइवेट,
जीस दिस इज पब्लिक ना, राइट, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट था, इट वॉज गिविंग एन एरर, इट शुड बी पब्लिक कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो अब स्टार्ट मेथड जैसे ही रन होगा, इट विल ट्रिगर द रन मेथड इंटरनली जो हमने उस टास्क में किया, और उसे वो कौन से टास्क को रन करना है वो हमें एक्सप्लिसिटली इस इंस्टेंस को प्रोवाइड करना होता है, जिससे वो उसी क्लास के रन मेथड को एग्जीक्यूट करेगा जहां हमने अपना बिजनेस लॉजिक एज अ हुक ऐड किया है, राइट। सो लेट्स रन दिस एंड टेस्ट आउट आवर रिजल्ट्स। ये क्योंकि मेन थ्रेड है, यू विल गेट टू नो एप्लीकेशन इज रनिंग, राइट। तो लेट्स रन दिस, चलो इसको चला कर देखते हैं। मैं आपको एक बार फिर डीबग करके भी बता दूंगा कि क्या रिजल्ट है, देखना। देखो ये मेन एप्लीकेशन पहले प्रिंट हुआ, इवन दो मेन एप्लीकेशन सिस आउट हमने उस टास्क और स्टार्ट के बाद मेंशन किया है। क्यों? क्योंकि वहाँ 2 मिनट का डीले, 2 सेकंड का डीले है ईमेल सेंड होने में, तो वो 2 सेकंड तक स्लीप करता है थ्रेड, और आफ्टर दैट इट विल सेंड द मैसेज विद दैट गिवन ईमेल एंड द सब्जेक्ट, एंड इट फाइनली इट विल से दैट ईमेल वाज सेंड। सो दिस इज़ द पर्पस एंड यूज केस ऑफ यूजिंग रनेबल इंटरफेस। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हम इस थ्रेड की इंफॉर्मेशन भी कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिस आउट डॉट थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, तो ये जो भी ये थ्रेड, क्योंकि ये नए थ्रेड पे रन हो रहा है, इसका नाम डिफरेंट होगा, और तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि मेन थ्रेड में भी डिफरेंस है या नहीं, और ये है मेन थ्रेड का नाम, ठीक है। तो आप ये समझो डायग्राम के हिसाब से, जो हमारा कोड फ्लो है ना, राइट, ये पूरा कोड फ्लो मेन मेथड, ये एक मेन थ्रेड पे रन होता है, और जैसे ही हम नया थ्रेड क्रिएट करते हैं, वो एक नया थ्रेड जो कि ये डायग्राम है, वो नया थ्रेड बनाता है, और वहाँ पे जो भी रन मेथड है ना उसको एग्जीक्यूट करता है विद द हेल्प ऑफ दैट स्टार्ट मेथड, राइट। लेट्स जस्ट डेमोन्स्ट्रेट वंस अगेन। नाउ दिस विल रन एंड इट विल ऑल्सो प्रिंट द डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड नेम। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है मेन इज द थ्रेड नेम, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये मेन थ्रेड पे रन हो रहा है, फिर ये जो दूसरा अपना जो प्रोसेस है सेकेंड थ्रेड पर रन हो रहा है, उस थ्रेड का नाम है थ्रेड डॉट हाइफन ज़ीरो, राइट। अब ये तो हो गया रनेबल इंटरफेस, जिसमें वी डोंट पास एनी इनपुट, देखो वी डोंट पास एनी इनपुट एंड डोंट गेट एनी रिजल्ट, वी कैन जस्ट कम्युनिकेट एक्सटर्नली और डू सम साइड इफेक्ट लॉजिक्स, राइट। अभी नेक्स्ट टॉपिक में व्हाट वी कैन डिस्कस इज, वी कैन डिस्कस न्यू इंटरफेस which is called callable interface. Let me show you that one, callable interface similar to runnable, which allows us to work with threads, but देखो इसका package भी different, it is different package java.util.concurrent, whereas runnable is java.lang, क्योंकि जो callable interface है ना वो java 8 बट जावा 8 में इंट्रोड्यूस होने के बाद इट बिकम मोर पावरफुल विद द हेल्प ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। तो पहले ये समझ लो, एंड आफ्टर दैट आई टू एक्सप्लेन यू हाउ लैम्डा एक्सप्रेशन वर्क विद रनेबल, ठीक है। तो ये देखो कॉल मेथड है, वहाँ पे रन मेथड है, यहाँ पे कॉल मेथड है, क्योंकि वो कॉलेबल है। कॉलेबल विल वॉट एवर वी मेक अ कॉल ना, हम दोनों चीज़ सुन पाते, राइट। वेन एवर वी मेक अ कॉल टू आवर फ्रेंड, वी कैन स्पीक, मतलब वी कैन गिव एन इनपुट एंड वी कैन गेट एन आउटपुट, वी कैन हियर व्हाट दे आर सेइंग, राइट। तो वैसे ही इट इज़ कॉलेबल, द कॉल मेथड विल टेक इन टाइप जेनरिक टाइप एंड रिटर्न दैट सेम जेनरिक टाइप विच इज़ कॉल्ड एज अ रिजल्ट, राइट, इट सेज कंप्लीटेबल रिजल्ट, दैट्स इट। तो ये कॉलेबल का डेमोन्स्ट्रेशन मे बी नेक्स्ट फॉलोइंग वीडियो में विल गिव, अभी हमारा काम बाकी है, वी हैव नॉट डिस्कस हाउ। ये तो जो हमने देखा ना, इट इज सिंपल, वी डू इट लाइक create object on object, but इसमें हमने lambda expression से काम नहीं किया। तो how can we do it with a lambda expression? It is very simple, we'll create an anonymous function, all right. Anonymous function will be something like, right, something like this, runnable, right, and we give email task, then anonymous function है, क्योंकि it is not accept any input, it will be brackets, then arrow function, and then the body, and in this we will define
sending email to Sandeep maybe with subject whatever, and then we do try catch block with this thread being thread will be the thread class, which is a static class, and sleep for I suppose same to 2 seconds or 2000 milliseconds, and if there is any issue we will catch interpret exception and then print its stack trace. So sort of finally we will say sysout email send success, right? And after this, whatever we have defined as an email task, we'll pass it to a new thread with an email task as an input, and that will then invoke the start method. Basically lambda expression internally क्या करता है, जो भी हमने as a lambda expression provide किया है ना, जो भी हमने इस body में दिया है, वो lambda expression internally will apply this all program or code to our run method, which will be initiated by start method, right? आप एक बार लिख देते हो using lambda function, using lambda function expression, to be more precise expression, similarly using lambda expression, let's run this. So we can see main thread run हो रहा है, ये दोनों threads जो हमने बनाए थे दोनों thread अलग अलग काम कर रहे हैं. We can also print out other thread name over here. What is the thread for? It should be a second thread. Main thread हो गया, पहला वाला thread was thread.0, thread-0, this should be thread-1c. So basically for each email we are using a different thread. तो ये lambda expression से same way से काम कर रहा है जैसे हम लोग ने using objects बनाया. So this is it, how we use Runnable to show all our tasking or some background processing on a different thread. That if you want, we can use it Runnable interface. Callable interface के बारे में discuss the next video. एक और चीज़ मैं information के तरह बताना चाहूँगा कि see, यहाँ पर there is a lot of manual coding, right? Even if you want to create one thread, हम लोग को बहुत सारा code रखना पड़ रहा है. पहले हम task define कर रहे हैं, पहले तो हम एक class को implement करा रहे हैं, then we are defining its object, then we are defining a thread object, usme we are passing the task of Runnable, then we are starting it, right? Aur thread ke start hone ke baad hame us thread ko close ya destroy bhi karna hota hai, jo ki humne dekha nahi hai. So there is a lot of manual coding. So you might be seeing, acha Java provide karta hai kya hame koi easy way jisme hum bahut sare thread ek sath mein banakar bahut sare task ek sath allocate kar sakte hain? Yes, that is made available long back ago in Java 5 itself, using executor framework and using features, जो कि बहुत advanced topic होते हैं Java में. We will learn about that eventually, but for now अगर आपको Runnable interface समझ में आया है then please video को like करो, और अगर उसमें कुछ भी doubt है तो आप ना comment करो, we will discuss on it. Please stay tuned, हम next video में callable interface के बारे में discussion करने वाले हैं. So thanks for your time, hope you have watched the video till end. This will hopefully help you become a good Java developer who can also learn flexibly in different programming languages. It's not binding, आपको सिर्फ Java सीखना है, आप अगर चाहे तो Scala भी सीख सकते हो, which is very much similar to Java, but उसमें बहुत functional interface पे जोर दिया गया है. तो I hope इससे आपको help मिले, become better Java developer. कुछ doubt है then we'll definitely connect over YouTube. Thank you for watching this video.